तो दोस्तों आपने मेरी स्टोरी पे तो देख ही लिया हो और कल का दिन ऑलरेडी बड़ा बकवास गया, बट लास्ट रिलीज सोचा कि मूवी देखकर अच्छा रहेगा। मैंने देखी गोटे गोटे चा और मेरा सारा छा पंजाबी मूवीज को लेकर उतर गया। ओ भाई मैंने क्यों देखी, क्यों क्या हुई ये आपको आगे इस रिव्यू में बताएंगे। लेकिन क्या ये आपको मूवी देखनी चाहिए या नहीं देखनी चाहिए, दो पॉजिटिव और दो नेगेटिव पॉइंट्स के साथ जज कर रिव्यू लेकर आए हैं। तो दोस्तों पहली बात, हम पंजाबी मूवीज बहुत रेयरली देखते हैं और देखते हैं तो भाई सिलेक्टेड ही देखते हैं। हमने बड़ी मुश्किल से ये मूवी सिलेक्ट करके जाके देखना चाहा लेकिन ये मूवी उस लेवल की नहीं निकली। अब क्या रिस्पॉन्स था, सबसे पहली बात इसमें चार एक्टर्स काम करने वाले थे, सोनम बाजवा, दान्या, जितेंद्र और एक और था भाई, उसकी शक्ल मेरे बेस्ट फ्रेंड से भी अच्छी थी। इतनी खुशी अब बात करते हैं पॉजिटिव पॉइंट्स की। तो भाई पॉजिटिव पॉइंट्स में दो पॉजिटिव पॉइंट्स इस तरह थे कि सबसे पहले तो भाई एक छोटे पॉइंट्स को लेके इन्होंने जो मूवी बनाई है, इंसान इमोशनल तो हो ही जाएगा। और सेकंड पॉजिटिव पॉइंट भाई फैमिली मूवी है, आप अपनी फैमिली के साथ जाके फुल देख सकते हो। ना कोई रोमांस है, ना कोई लफड़ा है, ना कोई पंगा है। और सबसे अच्छी बात सीखा है कि भी आपको एक औरत को समझना चाहिए। उसके बाद अगर हम नेगेटिव पॉइंट्स की बात करें तो भाई जबरदस्ती की हंसी, जबरदस्ती की एक्टिंग, सेकंड थिंग भाई लव और वही छोटी छोटी चीजों को उठाकर मूवी बनाना, थर्ड नेगेटिव पॉइंट भाई डायलॉग से कुछ मजा नहीं आ रहा था। अब नेगेटिव पॉइंट्स तो भाई बहुत सारे हैं। सबसे बड़ी बात भाई, अगर आपको फैमिली के साथ मूवी देखनी है और पंजाबी मूवी देखनी है तो वर्थ मूवी है दोस्तों, आप जाके आराम से देख सकते हो। बट हम देखते हैं भाई साइफो इंटरेस्टेड और खून खराबे वाली हॉरर मूवीज भाई हमारे लिए कहां बनी है मूवीज, हम गलती से क्यों देख गया। ऐसे वाली फीलिंग आ रही थी भाई, आप जाइए देखिए और मूवी का मजा लीजिए। अभी तक के रिव्यू में इतना ही और आपके स्क्रीन पे असुर सीजन 2 का रिव्यू मिलेगा दोस्तों, उसको जाके देखिए और अच्छा लगे तो शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए और बड़ा मजा आने वाला दोस्तों। चटाई।